एवरीवन, दिस इज मीता बिश्नोई, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो फर्स्ट, देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। जो फर्स्ट टाइप है दैट इज ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थो का मतलब ही होता है स्ट्रेट, ठीक है। ग्रीक में द मीनिंग इज स्ट्रेट एंड यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ ओव्यूल्स इन जिम्नोस्पर्म्स। एंड ये माना जाता है सबसे सिंपल और सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल। बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज स्ट्रेट, स्ट्रेट ओवर फनिकल। तो जो बॉडी होता है ओव्यूल का वो स्ट्रेट होता है फनिकल के ऊपर। एंड हाइलर चिलेजन नियर बाय होंगे, वेयर एज माइक्रोपाइल लाइज ऑपोजिट टू इट। सो यू सी द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस। दिस इज द फनिकल। फनिकल के बाद यू विल फाइंड दैट द ओव्यूल इज प्रेजेंट लाइक दिस। फाइन, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये माइक्रोपाइल एंड है, दिस इज चिलेजल एंड, दिस इज हाइलम एंड दिस इज फनिकल। तो ये सब कुछ स्ट्रेट ही है, स्ट्रेट ओवर फनिकल। फनिकल की स्ट्रेट ओवर, स्ट्रेटली ऊपर बॉडी है ओव्यूल की। हाइलम चिलेजल नियर बाय, ये हाइलम है, ये चिलेजल है, दे आर नियर बाय। And micropyle end lies opposite to it. Next is anatropous. Ana का मतलब ही होता है अप, ऊपर की तरफ। And ये Solanaceae family, most of the dicot और angiosperms में आपको इस तरीके की ovary देखने को मिलेगी, ovule देखने को मिलेगा। Most common hilum and micropyle nearby। यहाँ पे hilum and micropyle opposite है, हियर इट विल बी नियर बाय एंड चिलेजल जो है वो ऑपोजिट है। अब वो कैसे आएगा, यू सी हियर, सपोज दिस इज फनिकल एंड दिस पोर्शन इज हाइलम, रेफे एंड दिस इज द ओव्यूल की बॉडी। सो यू सी फनिकल इज कनेक्टेड टू, ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज द हाइलम पोर्शन, ये वाला जो मैंने डार्क कर दिया है। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग हियर, दिस इज फनिकल, दिस पोर्शन इज हाइलम, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चिलेजा, एंड फनिकल का जो बेंड पोर्शन है दैट इज रेफे। सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये जो बॉडी है स्ट्रेट है। अब क्या हुआ, बॉडी ने 180 डिग्री टर्न ले लिया। जब 180 डिग्री टर्न ले लिया देन यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ ओव्यूल विच इज कॉल्ड एनाट्रोपस। मोस्ट कॉमन हाइलम एंड माइक्रोपाइल नियर बाय, हाइलम एंड माइक्रोपाइल नियर बाय हो गए, चिलेजल ऑपोजिट साइड पे हो गया, एंड दिस इज जो भी एंजियोस्पर्म्स है, मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स है, यू विल फाइंड एनाट्रोपस। एनास मतलब ही अप होता है। हेमीट्रोफस, हेमी मतलब होता है हाफ, और ये ट्रोपस मतलब ट्रॉफी, मतलब इट इज द टर्न कि ओव्यूल कितना टर्न है। ऑन दैट बेसिस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। हेमीट्रोपस मतलब जो ओव्यूल उसने हाफ टर्न मारा है राइट एंगल टू द फनिकल। तो हाफ टर्न मारा है सो इट इज एट द राइट एंगल। लेट मी ड्रॉ इट। ये हो गया फनिकल, फनिकल के बाद दिस इज द ओव्यूल। फाइन, सो व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, दिस इज फनिकल, ये वाला पोर्शन हो गया हाइलम, दिस वन इज चिलेजल, दिस वन इज माइक्रोपाइल। बेसिक ऐसी फैमिली में जनरली ऐसे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से, सिर्फ 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड यहां पे उसने 90 डिग्री टर्न लिया है। इसको हॉरिजेंटल ओव्यूल भी कहते हैं, हाफ ओव्यूल भी कहते हैं। राइट एंगल टू द फनिकल, माइक्रोपाइल ऑपोजिट टू द चिलेजल, माइक्रोपाइल ऑपोजिट ही है चिलेजल के, बट हाइलम लाइज बिटवीन दीज टू। तो हाइलम जो है इनके दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है, दैट इज हेमीट्रोपस। सो हेमीट्रोपस में ये याद रखना है, ये जो मैं रफ डायग्राम बना रही हूं आप इसमें समझ सकते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है,
यहां पे एम्ब्रियो सैक है, यहां पे एम्ब्रियो सैक है, देन यू विल फाइंड म्यूसिलस सेल्स यहां पे प्रेजेंट है. सो होप दीज थ्री टाइप्स आर क्लियर. मैं मार्क कर देती हूं, ये इसका है, ये एनाट्रोपस का है, ये हेमीट्रोपस का है. नाउ नेक्स्ट इज कैम्पायोट्रोपस. मींस वो कर्व, वो कुछ अजीब तरीके से कर्व्ड होता है. हाइलम, चिलाजर, माइक्रोपाइल तीनों पास पास ही होते हैं एंड बॉडी ऑफ द ओव्यूलस बेंड. यहां पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल बेंड हो रहा है बट म्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक की जो पोजीशन है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा. दिस इज द हाइलम एंड द ओव्यूल इज बेंड लाइक दिस. जो म्यूसिलस है, दिस पोर्शन जो एम्ब्रियो सैक है ये यहीं पे रहेगा एम्ब्रियो सैक, और जो म्यूसिलस है दैट विल रिमेन ओवर हियर ओनली. बस बॉडी में ये कुछ ऐसा कर्व आ गया है जिसके वजह से ये जो बॉडी है उसका माइक्रोपाइल नीचे की तरफ बन गया है. यहां पे दिस इज हाइलम, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चिलाजर, दिस इज फनिकल. तो ये सब चिलाजर, हाइलम, माइक्रोपाइल तीनों पास पास में आ गए हैं. ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड ये कर्व कैसा है, कि ये ऐसा कर्व है कि इसने बॉडी को यूनिलेटरली ग्रो कर लिया है. सो यहां पे जो मेन याद आपको ये रखना है कि यहां पे जो न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक अपनी ही जगह पे है बट माइक्रोपाइल इट केम टुवर्ड्स द लाइक लिटिल बेंड, हाफ बेंड है. ये जो कर्वेचर लिया है ये कंप्लीट कर्वेचर नहीं है. एम्फीट्रोपस, बोथ द बॉडी ऑफ ओव्यूल एज वेल एज द एम्ब्रियो सैक आर कर्व विद द हाइलम, चिलाजर, माइक्रोपाइल लाइंग नियर बाय. इस केस में आई हैव टू ड्रॉ रब दिस वन. सो व्हाट्स हैपेंस हियर, ये फनिकल जो ओव्यूल की बॉडी है वो कुछ इस तरीके से कर्व हो रही है, बहुत प्रोफाउंड कर्व है उसका, विच कॉजेस द चेंज इन द शेप ऑफ द एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक जो है उसका भी शेप हॉर्सशू शेप्ड हो चुका है एंड माइक्रोपाइल, चिलाजर एंड हाइलम ये तीनों क्लोज आ गए हैं. और ये जो कर्व्ड होता है ये परफेक्ट कर्व है. बोथ द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एज वेल एज द एम्ब्रियो सैक आर कर्व विद द हाइलम, हाइलम के साथ उन्होंने कर्व कर लिया है एंड दीज विल बी नियर बाय. यहां पे भी नियर बाय है, यहां पे भी नियर बाय है. यहां पे जो न्यूसिलस और एम्ब्रियो सैक है वो स्ट्रेट पोजिशन में रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यहां पे क्योंकि परफेक्ट कर्व है उसकी वजह से एम्ब्रियो सैक जो है उसमें भी चेंजेस आए हैं शेप में. क्रूसीफर्स के केस में यू विल बी एबल टू सी दिस काइंड ऑफ ओव्यूल्स. द लास्ट वन इज सर्किनोट्रोपस, मींस राउंड. ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ बॉडी ऑफ ओव्यूल बेंड ओवर एंड बिकम स्ट्रेट अगेन. और ये कैक्टेशिया जो ओपन शिया होता है उनके केस में ये देखने को मिलता है. होता क्या है इसमें, वी विल सी दैट फनिकल है वो इस तरीके से फनिकल ग्रो होता है ड्यू टू यूनिलेटरल ग्रोथ. कि फनिकल और ओव्यूल के ग्रोथ की वजह से द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, पूरा एक टर्न लेके वापस वो स्ट्रेट हो जाता है. यहां पे क्या है, एम्ब्रियो सैक यहां पर है एंड ये न्यूसिलस है. This is follicle. So, आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि ये जो ovule की body इसने 360 degree turn लिया है. यहां पे, यहां इस केस में क्या होता है, anatropos के केस में 180 degree. यहां पे 360 turn लेने के बाद ये वापस straight हो जाएगा. ये वाला micropyle है, ये वाला chilazal end है, यहां पे hilum है. इस केस में hilum and micropyle opposite side पे हो जाते हैं, चिलाजल के पास ही रहेगा हाइलम एंड द बॉडी हैज टेकन 360 डिग्री कर्व. सो दीज आर, और ये अपेंशिया के केस में होता है. तो ये जो है आपको इसमें हाइलम,
चिलाजल और माइक्रोपाइल एंड की पोजीशन, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रेट है, किस तरीके से क्या शेप है, एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप थोड़े बहुत इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। वी हैड अ टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम पॉलिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड बी सेफ।